क्यों कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मान लिया कोई विलयन है हमारा, ये विलयन है, विलयन कोई विलयन बना है, तो ये कहां से बना होगा? इसमें विलय होंगे और प्लस क्या होंगे? विलायक होंगे। विलय होगा और क्या होगा? विलायक होगा, तभी तो विलयन बना होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विलेय और विलायक है विलेन में, तो विलेन में उपस्थित किसी घटक कणों के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित घटक कणों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलेन के मोल, विलेय या विलायक के उस घटक कण के मोल प्रभाज कहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं विलेन में उपस्थित किसी अवयव के मूलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या होते हैं, यह विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोल प्रभाज निकालने हैं तो पहले क्या आ जाए, विलायक के मोलों की संख्या अब प्लस क्या हो जाएगा, ओ बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल प्रभाज क्या है, तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के जब निकालना तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल हम इस्तेमाल मान लिए। अब क्या हो जाएगा, विलेय के मोल इस्तेमाल, अब काहे का विलायक के मोल, विलायक के मोल, विलायक के मोल को हम क्या है, कैपिटल एन से अप्रेट करिए। तो जब विलेय के मोल प्रभाव निकालने हैं तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। हम लोग ग्राम में अगर भार दिया होता तो मोल बराबर सभी लोग जानते हैं, शुरुआत से पढ़ते आए हैं, तो क्या है मोल बराबर क्या होता, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार तो स्मॉल डब्लू, विलेय का अणुभार यम, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार स्मॉल में। अब क्या है, जब विलायक के मोल कैपिटल एन से प्रकट किए तो क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार और विलायक का क्या हो जाएगा, अणुभार। इसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा, विलायक के मोल, तो विलायक के मोल कहां से प्रकट किए, कैपिटल एन, अब बटे कुल मोलों की संख्या, तो क्या है कुल में क्या है, विलेय है और हमारा क्या है, विलायक, तो विलेय के मोल इस्माल यान और प्लस क्या है, विलायक के मोल, विलायक के मोल कैपिटल एन। इसको भी हम अगर ग्राम में भार दिया हो तो क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार, विलायक का अणुभार, और क्या है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार और प्लस क्या है, कैपिटल एन है, तो कैपिटल डब्लू कैपिटल एन। तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम क्या है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार। हमारा क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल में एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो क्या है, जल के पहले हम ज्ञात करते, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम क्या है, एथिल एल्कोहल में, दोनों के एथिल एल्कोहल के भी और जल के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो जल के मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे, जल के मोल प्रभाज, तो जल के मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जल ऊपर आए तो क्या हो जाएगा, डब्लू एच टू ओ यम एच टू ओ, यानी जल का ग्राम में भार, जल का अणुभार, जल का ग्राम में भार, जल का अणुभार प्लस एथिल एल्कोहल का ग्राम में भार और एथिल एल्कोहल का क्या है, अणुभार, एथिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। अब जल का ग्राम में भार कितना दिया है, 72 ग्राम, अणुभार कितना होता है, एच टू ओ का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 + 16 बराबर कितना होता है, 18। एथिल एल्कोहल का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 दुनी 24,
और पांच एक हाइड्रोजन का होता है। चलो निकाल लेते हैं, 12 × 24 हाइड्रोजन एक होता है, 5 × 5 16 + 1 बराबर कितना आया, 46 आ गया। तो जल का मॉलिक्यूलर वेट 18, एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 46 है। तो हम लोग सूत्र पे मान रखते हैं, तो डब्ल्यू वाटर कितना है, 72 ग्राम, तो 72 ग्राम जल है। अणु भार कितना है, 18 है, 72 ये क्या है, 18 है, ये कितना है, 92 ग्राम इथिल अल्कोहल है, तो 92 ग्राम बटे 46, 46 × 92 कितना आया, 46 × 2 कितना आ गया, 92 आ गया। और क्या है, 28 × 72 28 × 72 तो क्या हो गया, 4 और 4 + 2 4/6 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 इसका हम लोग गुणा भाग करेंगे तो 6.666 आएगा। तो हमारे क्या है, जल के मोल प्रभाव निकल गए। अब क्या है, हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल ऊपर होगा तो क्या है, W C2H5OH M C2H5OH अपान कुल अपान स्मॉल W H2O M H2O प्लस कैपिटल W एथिल अल्कोहल M एथिल अल्कोहल। तो क्या है, इथिल अल्कोहल का ग्राम्य भार कितना दिया है, 92, तो क्या हो जाएगा, 92 अणु भार 46। और ये कितना है, जल का ग्राम्य भार कितना है, 72 × 18 92/46 46 × 2 = 92 28 × 4 = 72 तो क्या हो जाएगा, 2/6 आएगा, तो 1/3 तो इसको गुणा भाग करते हैं तो 0.333 ये इसका आंसर होता है।